अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वो कोई साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट या इंडस्ट्रियलिस्ट हरगिज नहीं, बल्कि एक तालिबे इल्म है जो यूईटी टेक्सिला में जेरे तालीम है और एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। मगर ये कोई आम तालिबे इल्म नहीं है, ये वो नौजवान है जिन्होंने इंसानियत के लिए दर्द दिल रखा। इन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसे सोशल वेलफेयर के इदारे की बुनियाद रखी जिसकी इस मुश्किल वक्त में कई लोगों को बहुत जरूरत थी। इनका नाम उमर बिन एहसान है और ये स्माइल्स एवेन्यू के बानी है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह महमूद, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले उमर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। अच्छा उमर, ये जो काम आप कर रहे हैं, इट्स वेरी अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग एज वेल। You are the true proud face of Pakistan. हमें वाकई बहुत फख्र है आप पे और आप जैसे नौजवानों पे। आपने वाकई ये बात साबित कर दिया है कि कुछ बड़ा करने के लिए पैसे, एज या एक्सपीरियंस की कतन कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि साफ नियत, मोटिवेशन और इंसानियत के लिए दर्द दिल की जरूरत होती है। तो बेसिकली आपको इतना अमेजिंग और इंस्पायरिंग काम करने का ख्याल आया कैसे? थैंक यू महनूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो यू जस्ट लॉस्ट इन द ग्लेज़िंग कलर्स। आप अपनी शॉपिंग करते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, घर को चले जाते हैं। कभी आपने ये नोट किया कि वहाँ बैठा कोई शख्स ये सोच रहा होगा कि अभी मैं भी नए कपड़े खरीदूंगा? आप लोग जाते हैं होटलिंग करने, अच्छे खाने खाते हैं, वहाँ से ऐसे ही निकल कर घर के लिए आती हैं। वहाँ भी कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर बैठा होगा जो कभी सोच रहा होगा कि मैं भी किसी दिन किसी ऐसे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाऊंगा। हमारी सोसाइटी का ये आलम हो चुका है कि अगर आप कोई बंदा अच्छी गाड़ी में जा रहा है तो अगर उसकी गाड़ी में स्पेस भी है, सीट्स आर वैकेंट, वो तब भी ये नहीं सोचेगा कि अगर कोई गरीब शख्स पैदल जा रहा है तो वो उसे लिफ्ट करे। तो इन नज़रियात को जहन में रखते हुए मैंने अक्सर सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, किसी ऐसी चीज़ की बुनियाद रखूं जहां से मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मेरे एजुकेशनल कैरियर के साथ साथ ये मुझे मुमकिन ना लगा। तो जैसे कि सिचुएशन है आजकल, हम सब लॉकडाउन में हैं ड्यू टू COVID-19, तो अब मुझे टाइम मिला और मौका मिला कि लोगों की सूरत हाल देखते हुए कि मैं इस पर काम कर सकूँ। सेकेंडली, इसके साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व किया, मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट ली और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जहाँ से हम ऐसे लोगों की मदद करते। वेरी राइट उमर, जैसे कि आप खुद स्टूडेंट हैं, आप अभी बता रहे थे, तो उमर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो हमारे माशरे में सबसे बड़ा बहाना ही होता है कि टाइम नहीं है, और दूसरा ये कि स्टूडेंट जाहिर सी बात है क्योंकि जॉब पे नहीं होता, उसके अपने कोई पैसे भी नहीं होते अपने पास, जो भी होते हैं वो जाहिर सी बात है बच्चा पेरेंट्स ही लेता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली आगे चलाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए टाइम और पैसा दोनों की बहुत जरूरत होती है। तो ये दो प्रॉब्लम यकीनन आपको भी पेश आए होंगे, तो आपने इन्हें फेस कैसे किया और मैनेज कैसे करें? बिल्कुल सही सवाल किया आपने महनूर। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सी कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में और मुझे बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे, कैसे करोगे, क्यों कर रहे हो, इट्स नॉट द वैलिड टाइम फॉर यू। तो लेकिन मैंने जब एक चीज़ सोच रही थी तो मैंने कहा कि अब करके दिखाने। मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी और वैसे भी मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया और हमने ये काम एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया। हमने संदे को देखा that this is the person who needs help, हमने उसकी हेल्प की। इसी के साथ साथ हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, हमने मंथली ड्राइव शुरू की, मतलब हमने मंथली बेसिस पे थोड़े लार्ज एक्सटेंट पर लोगों की मदद करनी शुरू की। तो इन सारी सिचुएशंस को नज़र में रखते हुए हमने छोटे लेवल पर काम शुरू किया। मैंने अपनी सेविंग्स को सेविंग यूज़ की अपनी, मैंने अपनी पेरेंट्स से सपोर्ट यूज़ की और बस हमने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद लोग हमारे साथ शामिल होते गए तो टाइम ये था कि जो मेरा काम था वो आगे मतलब मेरे फ्रेंड्स में डिवाइड होता गया जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते गए।
और रही बात पैसों की, तो मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड ने भी इस चीज में हिस्सा लिया, उन्होंने भी डोनेशन में हिस्सा लिया और नाउ वी आर गुड। यस उमर, दैट इज़ रियली वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी ऑफ योर्स। जैसे आपने बिल्कुल फरमाया कि लोग शामिल होते गए और कारवान बनता गया, तो बिल्कुल बहुत सही किया आपने और सही हुआ। अब उमर बात यह कि हमें तो पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से कितने बड़े काम करी और कितनी अमेजिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी तरह सी ऑडियंस भी बिल्कुल जानना चाहेगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है बेसिकली काम क्या है, वो करती क्या है, उसका मोटो क्या है, तो हमारी ऑडियंस के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा बता दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है। जी महनूर, असल में हमारा मोटो बिल्कुल सिंपल, हम इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और दुनिया खूबसूरत कैसे बनेगी, यू जस्ट हैव टू पुट स्माइल्स ऑन अपसेट फेस। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढती है उन लोगों को, ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत है और लेकिन वो आपसे मदद नहीं मांग पाते, सो यू हैव टू फाइंड देम एंड हेल्प देम। हम मंथली बेसिस पर ड्राइव करते हैं डिपेंडिंग ऑन डेट्स इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर ईद आ रही है तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ईद के कपड़े नहीं खरीद सकते। अगर जैसे आजकल लॉकडाउन का वो चल रहा है तो कुछ लोग हैं जो मतलब प्रॉपरली जिनको फूड भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने लास्ट मंथ ही फूड ड्राइव किया जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों में खाना तकसीम किया जिनके सर पर छत तक नहीं। हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर मतलब रिसोर्स एक्टिव हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, एंड वी रेज ओवर वॉइस फॉर देम। मतलब जितने भी हम जितने भी सोर्सेस एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, जितने हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं जो रिपोर्टर्स हैं, तो हम उनके साथ रास्ते में रहते हैं और उनके मैसेज ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल उमर, दैट इज़ वेरी अमेजिंग वर्क ऑफ योर्स। अच्छा उमर, आपने हमारी ऑडियंस को ये तो बता दिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या क्या करती है। अच्छा उमर, तो काइंडली हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि आप लोगों की मदद किस तरह करते हैं और किस किस्म की लोगों की मदद करते हैं, यानी जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें अमूमन लोगों की कौन सी कैटेगरी या कौन सा तबका जो है वो शामिल रहता है। देखिए मतलब बात ये है कि मतलब किस हवाले से करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द नीड ऑफ द आवर। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हम अपनी कोई ड्राइव प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को मतलब नाउअडेज पीपल आर इन नीड ऑफ मास्क और उनको अवेयरनेस भी चाहिए इस हवाले से, तो हम अपनी एक ड्राइव प्लान करेंगे उसी हवाले से और मतलब मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साथ में एक अवेयरनेस का अवेयरनेस के बारे में थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे। और दूसरी बात ये कि मतलब किन लोगों तक किन लोगों की मदद करते हैं, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं ऐसे लोग जो उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि मतलब उनकी कोई मदद उनकी मदद के लिए कोई आएगा। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों मतलब एक शख्स ने सुसाइड की, उनकी वाइफ ने बताया कि जब उनके हस्बैंड ने सुसाइड की तो वो पिछले 5 दिनों से भूखे थे। तो मतलब देखिए मतलब आलम यह है कि जरूरत की इंतहा थी लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों को अप्रोच करें तो जो बाकी ही जरूरत में है और अपनी मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि जरूरतमंद तो हैं लेकिन वो इतने गयूर हैं कि वो अपनी जरूरत किसी को बताते नहीं है। वाकई इन लोगों को सर्च करना और इन तक मदद पहुंचाना ये बहुत बहुत जरूरी है, एंड आई एम रियली फीलिंग इंस्पायर्ड बाय यू। जो काम आप कर रहे हैं दैट इज सो अमेजिंग। तो उमर, इतना अमेजिंग काम जब आप करते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट? फॉर मी इट इज द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। और ये सवाल थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा। जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो आपको जो इन रिटर्न वो स्माइल देता है वो भी प्राइसलेस होती है। हमने कई ड्राइव्स की, मतलब कई लोगों के चेहरों पे हम खुशियाँ लेकर आए, उनकी जो मुस्कुराहटें थी वो देखकर दिल खुश हो गया। एंड दोज मोमेंट्स पर द मोस्ट रिलैक्सिंग फॉर मी। उसके अलावा एक दिल में सुकून आया कि
हम ये तो काम कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। अच्छा उमर, जैसे कि आपने बताया जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल्स एवेन्यू, इसके साथ इसमें अब तक आपका सफर जो है कैसा रहा, कैसा जा रहा है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या देखते हैं? अब तक स्माइल्स एवेन्यू ने ऐसी बहुत सी ट्राई सक्सेसफुली दे दी है, मतलब डोनेशन कॉल से लेकर हमारे सब्जेक्ट की डिलीवरी तक हम ऐसी बहुत सी ट्राइज कर चुके हैं। सेकेंडली इन फ्यूचर मैं स्माइल्स एवेन्यू को पाकिस्तान के हर शहरी के अंदर देख, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हियर इन योर माइंड। मतलब हम एक सोच पैदा करना चाहते हैं हर एक इंसान में ऑफ गुडनेस के, जस्ट गो फॉर इट। उमर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये काम शुरू किया, जाहिर सी बात है आप एक टीनेजर थे, आप एक यंग लड़के थे पाकिस्तान के बाकी यंग लड़कों की तरह, तो ये काम शुरू करने से पहले आप कैसे थे, और काम जब आपने शुरू कर लिया तो आप में क्या क्या मस्बत तब्दीलियां आई? मैं टोटली डिफरेंट था ये काम शुरू करने से पहले, मतलब मुझे पता लिखा लाइफ है, और उसके अलावा मतलब अजीब चीजों में इन्वॉल्व था और यूजुअली टाइम वेस्ट ही करता था अपना। उमर माशाल्लाह से आप इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, और हमारी जो यूथ जो टीनेजर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको भी काइंडली कोई मैसेज दे दें कि उनमें भी वो पॉजिटिव चेंजेस आए जो पॉजिटिव चेंजेस आपने फील किए खुद में जब आपने ये काम शुरू किया, तो यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए आपने मतलब अपने स्कूल्स अपने कॉलेजेस में एक शेर जरूर सुना होगा कि डरते दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना आपके लिए कुछ करना फिक्र होगी। तो हम तो लिया पढ़ भी लिया, अब वक्त है कि हम उस शेर को समझें और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अच्छाई करने के लिए आपको मतलब बड़े होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी आपकी एज है आप अच्छाई कर सकती हैं, आप अच्छाई अपनी सताव के मुताबिक कर सकती हैं, और आपको अच्छाई के करने के लिए किसी की इजाजत। वेरी राइट उमर, दैट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उमर वाकई यूथ बहुत इंस्पायर होंगे आपसे, जैसे कि मैं देख रही हूँ आप इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको जिंदगी में और ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए और आपको बहुत कामयाब करे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, एंड अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अल्लाह हाफिज। अगर आप भी एक स्ट्रगलिंग हीरो हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।